जी, इसे तो धूमधाम सुनकर शर्म आ गई। मेरी आंखें क्यों बंद कर रही है? सुहाग रात पर अपने दूल्हा से आंखें बंद कीजिएगा। चलिए बोली बड़ी फटक तू। चलिए जरा देखिए कि शाम से टीके की बारात जा रही है। मुझसे क्या, मुझसे बेगरीब कन्या को फांसने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। हाँ जी, और इसी जाल में यह करीब कन्या फिर किसी नौजवान को फांस लेगी। यही ना, चलूंगी राजकुमारी से जिसकी भूल भुलैया में बहुत मशहूर है। तुम वहां जाकर लड़के वालों को ना भूल जाना। अरे पगली, ससुराल में लाख सुख हूं लेकिन लड़की कभी अपना मायका भूल सकती है। दोस्तों, ये बाजों की आवाज बता रही है कि मगरूर दलजीत की कुमारी का टीका आ गया, यानी सियाने कौवे को फांसने के लिए हमने हड्डी फेंकी थी, सो वो सियाना कौवा फंस गया। महाराज की जय हो। रियासत जगनेर से राणा संग्राम सिंह टीका लेकर पधारे हैं। आने दे, जल्दी आने दे कि बैर की आग के शोले शीघ्र ठंडे हो जाएं। हुक्म महाराज। वाह जीजा जी, क्या कहने हैं, दाद देता हूं आपके दिमाग की। जगमेर के महाराज को उचित करना आप ही का काम था मदाता। बड़ा गुरूर था दलजीत को, लेकिन वो ये भूल गया कि गुरूर का सर्वेशा नीचा होता है महाराज। रियासत जगमेर के राणा संग्राम सिंह रियासत सतनापुर के महाराज बख्तावर सिंह के हुजूर में। राजा सतनापुर को महाराजा जगमेर की तरफ से राणा संग्राम सिंह बधाई देता है। आइए राणा संग्राम सिंह, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। राजा साहब, न बाजे न शहनाई न दूल्हा और ये नफरत भरी हंसी हमारी राजा बेटी के टीके का स्वागत करती है या अपमान? अपमान? अपमान का हाल तुम्हारा राजा दलजीत बताएगा। किस तरह उसके बाप ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी का अपमान किया था, जब उसने मेरी बड़ी बहन की मंगनी को ठुकराते हुए ये कह दिया था कि मखमल में टाट का तेवर नहीं लग सकता। तो आपने उस अपमान का बदला लेने के लिए शादी ठहराई थी? हाँ, राजपूताने की जमीन निर्दोष राजपूतों के खून से रंगीन न हो, इसलिए मैंने इस युक्ति से बदला लिया है। और ऐसा बदला लिया है कि तुम्हारा मगरूर राजा जिंदगी भर याद रखेगा। वापस ले जाओ टीका। और ये भी दलजीत से कह देना कि जिन राजाओं को तुम छोटा और तजील समझते हो, वही राजा तुम्हारी बेटी को बहू बनाना अपनी जिल्लत समझते हैं। बस राजा साहब, मैं अपने महाराज की शान में से ज्यादा कुछ नहीं सुन सकता। काश संग्राम आज टीका लेकर ना आया होता तो क्या होता? सतनापुर के दरों दीवार फूल पत्तियों की बजाय खून के छापों से रंगीन होते, और यहां की गलियों में ठेले और पत्थरों की जगह आदमियों के सर ढोकने गाते दिखाई देती।
खामोश। तुम्हारी गुस्ताखी का जवाब जुबान से नहीं लोहे की जुबान से देता, मगर इसलिए जिंदा छोड़े देता हूं कि ठुकराए हुए टीकों को वापस ले जाने वाला और कोई नहीं है। मैं टीका उस तक वापस नहीं ले जाऊंगा जब तक राजकुमार की इच्छा न जान लूं। ठीक है, पेश करो राजकुमार को, हाजिर करो। हुक्म अंदाता। हमें भी सतनापुर के राजकुमार का इम्तिहान लेना है कि उसे अपने खानदान की इज्जत का कितना ख्याल है। सतनापुर के राजकुमार महाराजा सतनापुर के हुजूर में। आओ सतनापुर के बोले वाले राजा आओ। महाराज ये सब क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? ये तुम्हारे वास्ते टीका आया है। टीका कहां से? उसी मखरूर दलजीत के यहां से जिसके बाप ने तुम्हारे फूफी के सुहाग में ठोकर मारी थी, तुम्हारे दादा की पगड़ी फरी सभा में उछाली थी। बोलो क्या तुम इससे स्वीकार करोगे? हरगिज नहीं पिताजी। तुम्हारा अपने दादा का पोता और अपने बाप का बेटा एक राजपूत है, और वो राजपूत है जो बदला लेना अपना धर्म समझता है। मुझे एक मर्तबा फिर बख्तावर के पास जाने दीजिए। दया की भीख मांगने के लिए पांडे जी? शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता। सच है महाराज, शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, मगर क्षमा कीजिए, लड़की वालों को हमेशा दबना ही पड़ता है। दबना पड़ता है, लेकिन एक वीर बेटी के वीर बाप को क्यों दबना पड़े? राजा बेटी भी एक राजपुतानी है, राजपुतानियां जौहर करती हैं, पति की लाश के साथ सती हो जाती हैं। मेरी कन्या सुहाग का सेंदूर लगाए हुए अकेली सती हो जाएगी। महाराज बस संग्राम, नगर में ढंडोरा पिटवा दो कि आज से शादी ब्याह या किसी भी खुशी का बाजा नहीं बजेगा। रियासत जगमेर के राजा, प्रजा और इस धरती पर सांस लेने वाले हर इंसान का कर्तव्य होगा शत्रु से बदला और बदले की तैयारी। सोचिए महाराज। बहुत सोच चुका, अब रियासत में पहनने के कपड़ों की बजाय सिर से बांधने के लिए कफन तैयार होंगे, सोने और चांदी के जेवरों के बदले तोप के गोले ढाले जाएंगे। सौगंध है मुझे महाशंकर और साक्षात ईश्वर की, अगर बख्तावर से अपने अपमान का बदला न लूं तो जिंदगी में चांडाल की मौत मारा जाऊं और मरने के बाद डोम के वंश में उतारा जाऊं। Thank you.
कहां तक रोएगी? कहीं ऐसा ना हो कि कन्या के आंसुओं की धारा सारी दुनिया को बहा कर ले जाए और वक्त से पहले ही प्रलय आ जाए। आने दीजिए प्रलय राजा बाबू, जब कन्या का सुहाग ही लुट गया तो उसके लिए आज ही प्रलय आ गया। औरत इसीलिए कमजोर कहलाती है कि वो वक्त का मुकाबला करने के बदले घर में रोने बैठ जाती है। वो है राजा बाबू, लेकिन बहुत जगह औरत मजबूर हो जाती है। गलत है, मजबूरी का दूसरा नाम कमजोरी है। भगवान ने मर्द और औरत दोनों को दिल और जिगर एक ही तरह के दिए हैं, इसीलिए तो जंगल में जब शेर और शेरनी हमला करते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। राजा बाबू, फिर वही आंसू, देख मेरी तरफ देख, इतने बड़े अपमान के बाद भी इन आंखों में आंसुओं के बदले इंतकाम के शोले भरक रहे हैं। तू भी एक राजपुतानी है, इन आंसुओं के कतरों को अंगारे बना दे और अपना बदला लेने के लिए एक वीरांगना बनकर खड़ी हो जा। ऐसा ही होगा राजा बाबू, आज से आंसू नहीं बहेंगे, अब आपकी बेटी यह साबित करके दिखाएगी कि जहां औरत सीने में नाजुक दिल रखती है वहां पत्थर का जिगर भी रखती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना एक शेरनी की तरह कर सकती है। शाबाश, तू मेरी राजा बेटी नहीं राजा बेटा है। राज का क्या हुक्म है? कोई दुकानदार लड़ाई का सामान बनाने के सिवा दूसरा काम न करे, कोई कारीगर तीर तलवार बच्चे भाले के सिवा कुछ न बनाए, और सुन ये भी सरकारी हुक्म है कि शहर में किसी किस्म का कोई बाधा नहीं बजेगा। छीन ले तू तो भी। अब देखना है बासी कढ़ी में कितना उबाल आता है। दलजीत अंगारों पर लौटेगा, दांत पीसेगा, मगर कर क्या सकता है, जानता है अपने किले की भूल भुलैयों का हाल। मैं तो भगवान से चाहता हूं कि वो हमला कर दे। उदय सिंह मजा आ जाएगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा उसे। अगर गिरफ्तार करके घोड़े न मनवाए तो बख्तावर नाम नहीं। सतनापुर नरेश की जय। क्यों कलवा, क्या खबर लाया है? बड़ी भयानक सरकार, जगमेर में बड़े जोर के साथ लड़ाई की तैयारियां हो रही है, फौज में भर्ती की जा रही है, बाजारों में हथियार बनाए जा रहे हैं, और एक भी जगह ऐसी नहीं सरकार जहां गोला बारूद न तैयार हो रहा हो। बस यही है और कुछ? सरकार और क्या खबर लाता? हमला कब होगा? ये नहीं मालूम सर। किधर से हमला होगा? ये भी नहीं जान पड़ा सरकार। हमले का हाल तो वही लोग जानते हैं जो हमला करने वाले। फिर तू क्या खबर लेकर आया है? यही कि हमला होगा और जरूर होगा, ये खबर सोलाने पक्की है सरकार। बेवकूफ कहीं का, जा वापस जा और पक्की खबर लेकर आ। हमला कब होगा, किधर से होगा, कितनी फौज है? अगर ये सब खबरें ठीक ठीक ले आया तो तुझे इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम। तब तो बिटिया का ब्याह बड़ी धूम से होगा। आज्ञा सरकार। महाराज, मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि हमारा दसवां जासूस भी मारा गया। हमें भी अफसोस है, मगर क्या करें, कला का नक्शा हमारी जिंदगी है, वरना जंगी तैयारी सब बेकार है। बेशक महाराज, मुझे तो याद है जब स्वर्गवासी महाराज ने सतनापुर की फौजों को मैदान से भगा दिया और हमारी फौज कले में दाखिल हुई तो सब भूल भुलैया में फंस गए और एक हफ्ते तक बाहर ना आ सके, बहुत से आदमी मर गए, तो महावैद्य ने बीच में पड़कर सुलह करवा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई जाबाज कले का नक्शा न ले आए विजय की कोई उम्मीद नहीं। अन्नदाता,
अगर इजाजत हो तो सेवक कुछ अर्ज करे। कहो कौशल, तुम्हें इजाजत है? अब के मैं जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो आपके प्रताप से नक्शा लेकर ही आऊंगा। नहीं कौशल, हम तुम्हें नहीं भेज सकते। तुम्हारे सामने जंग के खुफिया मशवरे हुआ करते हैं, अगर तुम पकड़े गए तो दुश्मन हमारे हालात तुमसे जबरदस्ती पूछ लेगा। नहीं महाराज, क्या आप अपने दास को इतना कायर समझते हैं? जान चली जाए मगर बात नहीं जाएगी। महाराज विश्वास रखिए, बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा का मुझे भी कुछ लाभ उठाने दीजिए। तुझे क्या लाभ होगा? किले का नक्शा ले आया तो देश में नाम हो जाएगा, वतन के लिए मर गया तो अमर हो जाऊंगा। सब काटी जिसको पाला वो तो कई पहर जिए, पर जुल्फ नागन का दशा मांग के पानी न पी। सर में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गठिया बाई हो, खाना न हजम होता हो, खट्टी डकार आती हो, जूड़ी बुखार आती हो, बस इस त्रिस्माती चूरन की एक पुड़िया और सब भसम और सब हजम। केवल सिर्फ दो आने। और सुनो भाइयों, आखिरी दवा वो है जिसे जिंदगी भर याद करोगे कि कोई आया। कान के आराम का दुश्मन, सुबह शाम का दुश्मन, कुर्सी खुपाई का दुश्मन, चारपाई का दुश्मन, शेर से भी ज्यादा खूंखार, सांप से भी ज्यादा जहरीला, वो कौन? श्री खटमल। खटमल खटमल खटमल, देखना तो हवलदार कितने खटमल है चारपाई में। हटको और हटको, चार चारपाई टूट ही जाए मगर खटमल एक बाकी ना रहे, बदमाशों में बदल नहीं जाना। खटमल जो ना अमीरों से डरता है ना गरीबों को छोड़ता है, सबके लिए खराब करता है, बस एक फुल्ला और सब खटमल गायब। कीमत दो आने, दो आने, दो आने, दो आने। एक बात सुन लो, पुड़िया को यहाँ मत खोलना वरना इसका सब असर गायब हो जाएगा। घर जाकर पुड़िया को गौर से पढ़ना, तरकीब इसी में लिखी है। अच्छा, क्या खबर लाए? सब ठीक है हजूर। तुम क्या खबर लाए? हजूर ये खटमल मारने की दवा लाया है। खटमल मारने की दवा? हाँ हजूर, बड़ा जबरदस्त जोगी आया है, बहुत से आदमी उससे दवाई ले गए हैं, उसने कहा है कि इसकी तरकीब इसी में लिखी हुई है। खटमल की बेहतरीन दवा, पकड़ो और मारो। पकड़ो और मारो, ये तो बना गया। नहीं, असली दुआ बता गया, पकड़ो और मारो। ये कागज तो सत्रापुर का मालूम होता है, ये जरूर कोई जासूस है। चलो जी, दर्द आधे सर का हो या पूरे सर का, अभी जाएगा ऐसे जैसे गधे के सिर से सिंह। लड़ाई की तैयारी में ऐसा ही होता है। जय काली, एक बात बताओ बच्चा, ये हमला कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा, अब होगा, इधर से होगा। हाँ हे, क्या करते हो बच्चा? असल लिया खटमल, हम मार रहे हैं। हाँ हे, इस साधु को मारते हो बच्चा? ये क्या मतलब? जगमेर नरेश की जय। यह आदमी जोगी के भेष में दवाइयां भेजकर नगर की हालत मालूम कर रहा था। यह सतनापुर का रहने वाला है और जासूस है। कैदी, सच बता तो कौन है, जोगी या जासूस? अन्नदाता, जासूसी का पाप करने के बाद मैं झूठ बोलकर दूसरा पाप नहीं करूंगा। बेशक मैं एक जासूस हूं और यहां के हालात जानने के लिए सतनापुर से भेजा गया, पर अन्नदाता मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं और इनाम के लालच में जान पर खेल कर आया हूं कि बहुत सा इनाम मिलेगा और उस इनाम से मैं अपनी जवान बेटी की शादी कर दूंगा। भ्राता जी, इसकी बातों का यकीन न फरमाइए, ये बिल्कुल झूठ कहता है। नहीं अन्नदाता, मुझे अपनी बेटी की कसम, मैं सच कह रहा हूं। जवान कन्या पहाड़ सी छाती पर रखी। महाराज, आप भी एक बेटी के बाप हैं, अपनी राजकुमारी के सदके में मेरी बेटी का उद्धार कर दीजिए। इसे छोड़ दो। भ्राता जी, बख्तावर ने हमारे 10 लाल तलवार की भेंट चढ़ा दिए हैं और आप इसे दया की भीख दे रहे हैं। संग्राम, इसने राजा बेटी का वास्ता देकर एक बाप के सीने में हलचल मचा दी है, मैं राजा बेटी के सदके में इसे रिहा करता हूं। Thank you.
छोड़ो इसे। कोतवाल साहब, खटमल तो खून जूस कर जा रहा है, अब तुम मच्छरों को पकड़ा करना। जान बच गई तो हमारा मजाक आता है। अरे तुम कोई औरत थोड़ी हो जो तुमसे मजाक करेंगे। तुम तो मूंछों वाले तीस मार सिंह हो, सतनापुर जाकर भी तुम्हारे गुण गाएंगे कि जगमीर रियासत के कोतवाल, क्या कहना, मूंछे ऊंची और बात नीची। तुम मुझे हरगिज नहीं पकड़ सकते, मुझे महाराजा धीराज ने छोड़ा है, इसलिए कि राज के कर्मचारियों को बेवकूफ बनाओ। ले जाओ इसे, इसका मुंह काला करके इसको गधे पर चढ़ाओ और सतनापुर की सरहद तक छोड़ कर आओ। मगर ले जाओ बदमाश को, ये जा बख्शी का मजाक उड़ाने की सजा है। सरकार, किले की मरम्मत के लिए सरकारी हुक्म चाहिए। किले का हुक्म राजकुमार देंगे। तुम्हें बता दिया, किले की हिफाजत देखभाल ये सब राजकुमार के जिम्मे है। राजकुमार से क्यों नहीं पूछते जब मेरे पास आए? राजकुमार शिकार पर गए हुए हैं सरकार, और किले की मरम्मत बहुत जरूरी है। अगर किला जा बजा टूटा फूटा रहा तो भूलभुलैयों से निकल जाने के निशानात बन जाएंगे, और इन्हीं निशानों के सहारे रास्ता मालूम हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो पेशकार, जाओ जितना रुपया भी सरफ किया जाए, मगर किले की मरम्मत फौरन की जाए। हुक्म सरकार। सतनापुर नरेश की जय। तुम कौन है सरकार? आपका जासूस कलुआ। कलुआ? वाकई कलुआ? खूब स्वांग रचाया है, शाबाश। बोल, हमला कब होगा, किधर से होगा? सरकार, यही खबर निकालने के लिए मैं जोगी के भेष में दवाई बेच रहा था कि पकड़ा गया। पकड़ा गया? बेवकूफ कहीं का, जासूस बनकर पकड़ा गया। इसने अपना मुंह काला करवाकर हमारी रियासत का बदनाम किया। राम सरकार, ले जाओ। सरकार, हाँ मेरी बिटिया की सरकार की जय हो। ये जगमेर का जासूस हमारे किले का नक्शा उतार रहा था, आपके प्रताप से मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है। शाबाश। क्या नाम है तेरा? बोलता क्यों नहीं? क्या ये गूंगा है? नहीं सरकार, ये आपके सामने गूंगा बनता है, किले में तो बोल रहा था। गूंगा बन गया इसलिए कि तुझसे कोई रियासत का राज ना पूछ सके। अच्छा बता, हमारे किले का नक्शा कहाँ है? क्या करता है सरकार? जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, ये नक्शा जो उतार रहा था वो निकल गया। निकल गया? बड़ा घाग मालूम होता है। जमादार, ले जाओ इसे, इसे काट कर इसका पेट चीर डालो, और नक्शा निकालकर इसकी लाश को जगमेर भिजवा दो। देखता हूं अब कौन जासूस सतनापुर में आने की हिम्मत करता है। बड़ी कृपा राजन, जय जगदीश महा। तूने भोजन क्यों वापस कर दिया राजा बेटी? आपने भी तो कल से भोजन नहीं किया। क्या भोजन करो, तूने तो सुना होगा। हाँ राजा बाबू, मैंने सुना, अपना कौशल भी कत्ल कर दिया गया। बेचारा बहुत पुराना नौकर था, मगर वो शहीद तो अमर हो गया। वो तो अमर हो गया, लेकिन हमारे अमर होने का दिन कब आएगा? इसी चिंता ने भूख प्यास सब उड़ा दी, बल्कि दुनिया से नफरत होती जा रही है। मगर इतनी चिंता की क्या जरूरत है राजा बाबू, राज में लड़ाई की भरपूर तैयारी हो रही है। महाशंकर ने चाहा तो विजय हमारी होगी। ये नामुमकिन है। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क का एक एक जवान और बूढ़ा अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने देश और राजा पर निछावर कर देगा। फतेह हमारी होगी,
मगर हम उसके किले की भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलेंगे? किले के नक्शे के बगैर हमला करना बहादुरी की नहीं बेवकूफी की मौत होगी। इसी उलझन ने परेशान कर रखा है। अब किसे भेजो, कौन इतना होशियार और चालाक है ये कैसे मालूम हो? मैं बताऊं राजा बापू, ढिंडोरा पिटवाइए, एक आम दरबार कीजिए और उसमें मुंह मांगा इनाम मुकर्र कीजिए। फौरन पता चल जाएगा कि वो बहादुर कौन है जो देश की सेवा के लिए अपने सर हथेली पर रखने को तैयार है। महाराज अधिराज जगमेर नरेश का कल दरबार आम होगा, बीरा और तलवार रखी जाएगी। जो माई का लाल बीरा और तलवार उठाकर सितरापुर के किले का नक्शा लाएगा उसे राज दरबार से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज अधिराज जगमेर नरेश की सवारी पर ध्यान रहे। महाराज अधिराज जगमेर नरेश की जय। इस आम दरबार का मंशा जाहिर किया जाए। आज्ञा महाराज। जगमेर के प्रजाजनों, आप बखूबी जानते हैं कि यह आम दरबार किस लिए रचाया गया है। महाराजा अधिराज को अपनी प्रजा की वीरता या देशभक्ति पर शक नहीं है बल्कि पूरा भरोसा है। जब वक्त आएगा तो जगमेर का एक एक बच्चा तन मन और धन से देश का साथ देगा और अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने मुल्क पर निछावर कर देगा। मगर इस वक्त हम तुमसे यह सेवा लेना नहीं चाहते। आज तो हमें सत्तापुर के किले का नक्शा चाहिए और जो वीर ये काम अंजाम देगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। इस दरबार आम में हरेक को अपनी अपनी किस्मत आजमाई का मौका दिया जाता है। कौन है वो माई का लाल? आगे बढ़े और ये तलवार बेड़ा उठा ले। संग्राम, तुम ये बीड़ा नहीं उठा सकते। तुम्हारी कारगुजारी का दिन तो नक्शा लाने के बाद आएगा। माफ महाराज, संग्राम के होते हुए कौन बहादुर है जो बीड़ा उठाएगा? ये सेवक नक्शा भी लाएगा और रंग मैदान में खून की होली भी खेलेगा। अगर इनमें से कोई मुझसे ला और दिखा दे पानी। होशियार सेनापति जी, तुम जिनके मुंह से अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, उम्र में छोटे अकल में छोटे और हाथी का मुकाबला। सेनापति जी, चिमटी भी छोटी सी होती है मगर हाथी को गिरा देती है। बंदूक की गोली भी छोटी सी होती है मगर इंसान को मार देती है। हम छोटे जरूर हैं मगर दिल बहुत बड़ा है। सवाल आवाज परीक्षा हो गई। शाबाश नौजवान, तुमने सरकार की चिंता मिटा दी। अब हमें पूरा भरोसा है कि तुम जरूर कामयाब होगे। जो अपनों से ना डरे वो गैरों से क्या डरेंगे। बेशक, परीक्षा हो गई महाराज। महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कामयाब हों। नौजवानों, सिर्फ सरकार ही नहीं सारा मुल्क तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। महाशंकर तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ, मुरादों की कलियां लेकर जाओ और कामयाबी के खिले हुए फूल लेकर वापिस आओ। बोलो जगमेर नरेश की जय। सतनापुर के जांबाज सिपाहियों, आज तुम सबको कोतवाली में इसलिए जमा किया गया है कि मैं तुम्हें दुश्मन की नई कार्रवाई से खबरदार कर दूं। कोतवाल साहब, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानता है? यही कि दुश्मन आजकल ऐसे तोप के गोले बना रहा है कि जिसके एक ही धमाके से सारी दुनिया सिमट कर अखरोट हो जाएगी। खरोश, अगर अपनी अकल हो तो दूसरे की सुन लो। मैं तुम सबको आगाह करना चाहता हूं कि रियासत जगमेर के आम दरबार में दो नौजवानों ने बीड़ा उठाया है कि वो किसी भी तरह हमारे किले का नक्शा हासिल करेंगे।
लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हम उनका भी वही हाल करेंगे जो जगमेर के पहले जासूसों को कर चुके हैं। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए हमें पहले से बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम लोग अपना चौकी पहरा और मजबूत कर दो। सूरज डूबते ही शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाए। शाम होने के बाद शहर की हद में कोई परिंदा भी पर न मार सके। और याद रहे, अच्छी नौकरी बजाई तो इनाम पाओगे, और अगर जरा चूक हुई तो गदर उड़ा दी जाएगी। अभी सुनते हो? तुम जरा घर देखना, मैं देव दर्शन को जा रही हूँ। मर गए, मैं यहाँ का भी पैरा दूँ और घर का भी। अरे ऐसी क्या पड़ी है सांझ को देव दर्शन के लिए जाने की? हाय कुछ समझते भी नहीं। वो बूढ़ी माँ आई थी ना, कह गई मैं माँ बनने वाली हूँ तुम बापू। सर मैंने भगवान शंकर की मन्नत मांगी थी, जाऊंगा गीजा दिया चढ़ाऊंगा। ये बात है तो जाओ, जरूर जाओ। मेरे होने वाले बिटवा की माँ, मैं यहाँ का भी पैरा दूंगा और घर का भी। अरे तुम एक छोर दो दो दिए चढ़ाओ बाबा। दो दिए चढ़ा दिए तो कहीं जरूर ना आ जाएंगे घर में, तो इसमें नुकसान कौन सा है? चलो ऑटो। हाय जियो। आखिर हम सदनापुर की सरहद पर पहुंच गए जूही। आज की रात इस मंदिर में बिताएंगे। आज की रात क्या कुमारी जी, शायद कई रातें बितानी पड़े। सरहद पर कड़ा पैरा है तो क्या हुआ? हमें तो शहर में जल्दी दाखिल होना है। मैं दासियों को सब कुछ समझा आई थी, इन्होंने राजा बापू से कुछ ना कुछ बहाना कर दिया होगा। पर अपना काम यहाँ पूरा करके हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। भगवान शंकर ही का आसरा है। हे शंकर भगवान, तूने मेरी सुन ली, तेरी दया से मेरी गोद भरने वाली है। तेरा प्रसाद खाया था, उसका नाम भी शंकर प्रसाद रखूंगी। मुझे आशीर्वाद दो भगवान कि वो भागवान हो, उसका बाप जमादार से कोतवाल बने, कोतवाल से बड़ा कोतवाल, बड़े कोतवाल से फौजदार, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बस अब जाऊं भगवान, घर सूना छोड़कर आई हूं। क्या आ गई मेरे होने वाले बिटवा की माँ? बिटवा की माँ मत कहो, शंकर प्रसाद की माँ कहो, शंकर प्रसाद की माँ। मैं तो नाम भी रखा है भगवान के सामने। अरे बावली, कहीं लड़के की जगह लड़की हो गई तो क्या नाम रखेगी, शंकरी प्रसादी। छोड़ो भी, मेरा दिल कहता है लड़का होगा लड़का। अच्छा लड़का। चिंता ना करो बेटा, पुत्र होगा पुत्र। धन्य हो महाराज, मगर ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकता हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। देखो वो देखो, लाल को खिला रही है उसकी माँ, बाप जमादार से कोतवाल बन गया है लाख निरंजन। धन्य हो महाराज, हमारी झोपड़ी में चलिए कुछ फल खा लीजिए। ऐसे पहुँचे हुए साधु फिर कम मिलते हैं, हमारे आहो भाग महाराज। हाँ महाराज। नहीं बेटा, रात्रि हम हमेशा वट वृक्ष के नीचे बिताया करते हैं। वट वृक्ष सीमा के अंदर 3 मील पर है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे, क्योंकि महाराज की आज्ञा है। अजी महाराज, गोली मारिए महाराज की आज्ञा को, आप निश्चिंत होकर जाइए, पधारिए। तेरा कल्याण हो बेटा, तेरा कल्याण हो अलख निरंजन। महाराज फिर कब दर्शन होंगे? बेटी चलता साधु और बहता पानी एक जैसा होता है, फिर भी योग होगा तो हम अवश्य मिलेंगे, इस रूप में ना सही तो किसी और रूप में सही। बेटा महाराज, तूने हमें अंदर जाने के लिए मार्ग खोला है, बोल तुझे क्या चाहिए? बस महाराज, दिन रात यही चिंता रहती है कि कहीं जगमेर से निकले हुए जासूस भूले चू के अंदर पहुंच गए तो मेरी गर्दन को मेरे दल से अलग कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा बेटा। महाराज कृपा करके ये तो बताइए कि वो जासूस यहाँ किस देश में आएंगे? बेटा वो हमारी तरह साधु
जोगी के भेष में आएंगे। आई धन्य हो महाराज, तब तो मैं उनका ध्यान रखते हैं। जरूर रखना बेटा। हाँ हाँ बड़ी खुशी थी, तो किराया पेशगी दे दो। अपना कमरा देख लो। यह है तुम्हारा कमरा। तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी जोरू है। जोरू है तुम्हारी? बड़े किस्मत वाले हो गए। मुंगट के पट खोल दे, तुझे राम मिलेंगे, तुझे राम मिलेंगे। लोग शायद इसी तरह में गए होंगे। इस सराय का मालिक कौन? जी जी मैं। इधर आओ। जी हुकुम। इस तरफ कोई दो साधु आए थे? जी जी नहीं। मेरा मतलब साधु ना सही, दो जवान आए थे। जवान तो नहीं, दो लड़कियां आई थी, आवारा सी मालूम होती थी, मैंने रहने की इजाजत नहीं दी। अरे वही तो जासूस थे, जवान लड़कियों का सामान बना कर आए होंगे। किस तरफ गए वो, बोलो। वो उस तरफ गए। ठीक है, अभी दूर नहीं गए होंगे, तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ चलो। चोरे, ये क्या शिकायत कर रही तेरी? अभी ले चलता हूं तुझे थाने। तुम नहीं रहो रात भर, कल सुबह मैं खुद तुम्हारे माँ बाप के यहाँ चलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं माई बाप के घर नहीं जाऊंगी, वे मुंह को पीटेंगे। फिर कहाँ जाओगी? मैं तिहारी संग रहूंगी, तिहारी चाकरी करूंगी, पर पहले या को थाने में बंद करा दो। अभी लो अभी लो, मैं अभी जाकर सिपाही को लाता हूँ, वो फौरन पकड़ ले जाएगा। नहीं भैया, या को तो भीतर बंद कर दो, ये भाग जाएगो, फिर आएगो, फिर सताएगो। अच्छा चल चल चल। ये तुम रखो। भाई मिट्टू, आज भगवान की कृपा से मैं जगवीर के जासूसों को जरूर पकड़ लूंगा। आज दोस्त मिट्टू, आज क्या खास बात है? आज बहुत अच्छा शगुन देख के निकला हूँ, और फिर घर से निकलते ही तू खुदी भी तो मिल गया। अच्छा हाँ, देख लेना, आज हमारा सामना उन जासूसों से जरूर होने वाला है। क्यों, क्या बात है? कौन है तुम? आरती। और आप? हम जासूस हैं। अरे वाह, क्या बात है, जासूस अपने आप को जासूस कहे, वो जासूस कैसा? अरे बेवकूफ, जासूस हम हैं जो औरत हो के मर्द बनकर घूमते हैं। अरे वाह, धन्य है तुम्हारे माता पिता को, और जय हो सत्यापुर की। दोस्त नथू, हमारे देश की सेवा कितनी बहादुर है, जो दुश्मनों को पकड़ने के लिए मर्द बनी फिरती है। जी हाँ, और एक आप है जो जासूस होकर अपने आप को जासूस बताते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। नाम पूछते हैं कोतवाल साहब से तुम्हारी शिकायत जो करनी है कि तुम जैसे बेवकूफों को जासूस बनाकर हम एक बहुत बड़ा खतरा बोल रहे हैं। माफ कीजिए माफ कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा माफ किया, लेकिन आइंदा खूब ख्याल रखना। चलो राजकुमार के किले की तरफ चलें। इस तरफ कहाँ? राजकुमार का किला तो इस तरफ है। यही तो हम जानना चाहते थे कि आप लोग जासूस तो बने फिरते हैं,
लेकिन आपको इस बात का पता भी है कि राजकुमार का किला कहाँ है? अजी एक भूल हुई तो क्या हुआ? मुझे तो सब कुछ मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम है कि पहले फाटक पर गुलाब कहिए, दूसरे पर अनार और तीसरे पर तम। बिल्कुल ठीक। और चौथे पर? आप मुझे बताते हैं चौथा फाटक ही कहाँ? चौथा फाटक ही नहीं है। मेरा मतलब है मगर वहाँ तो बड़ा सख्त पहरा है, सिवाय मजदूर ईंट पत्थर के कोई नहीं जा सकता। जाने दो। राम राम राम। बिना पूछे अंदर कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बिल्लेदार के पास थी। कुछ नाचो सी, कुछ गाओ सी, जाके दिल बहलाओ सी। अच्छा तो तुम लोग नाचने गाने वाले हो? हाँ सी। जो कुछ पाओ सी वहाँ। चुप रह, ये बात करेंगे मुझसे? हाँ सी। जो कुछ टक्का देना पाओ सी वहाँ से पेट चलाओ सी। ठीक है मैं तुझे जाने तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या देगी? सी। बोल। जो कुछ पाऊं सी उसका आधा दे जाऊं सी। तू चुप रह, तू बोल। सी। मैं क्या बोलूं सी? देख मुझे आधा वादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सी। अरे जरा इधर आ, कान में सुन। बस अगर मंजूर है तो अंदर, नहीं तो सी। हमें तो मंजूर है सी, हजूर सी, सरकार सी। जियो तो जा अंदर। अरे मेहरबानी सी, राम राम सी। अरे क्या देखे सी, नहीं चल सी, चल सी। हाय रे तेरी सी। जरूर बचाइए, आपकी ये भी गोड़ पिट रही है। पिट जाने दे। अपनी गोट तो उसी दिन पिट गई जिस दिन पिताजी ने टीका वापस कर दिया। हुजूर चाल तो चलिए। बताओ जी, नहीं लगता कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। यहाँ के तरह दीवार हमें कांटे खाते हैं। हाँ तुमने शिकार का सामान दुरुस्त कर दिया है, कल सुबह हम फिर शिकार पर जाएंगे। लेकिन महाराज ने तो आपको किले की देखभाल और मुआयना करने का हुक्म दिया है। राज के इतने कर्मचारी मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं, ये उनका काम है या मेरा?
हो? मेहरबानी सी, कदरदानी सी। तुमने हमारा दिल बहुत खुश किया है। बोलो क्या इनाम चाहिए? सरकार की नेक नजर सी, इससे बड़ी ना जमीन सी ना जर सी। सुनना इस किले में भूल भुलैया सी, जिसे देखने हम बड़े दूर से आए सी। ओह, ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम दिखा देंगे, लेकिन तुम्हें इनाम भी देना चाहिए। बला का खूबसूरत थी तुम बेटा कुमारी सी, सांप अगर खूबसूरत भी हो तो बेकार सी। मन को भावे और बात छुपा रही थी, चुप रहे चुप रहे वो आवे थी, वो आवे थी। ये सीसी क्या बोलती हो? सी, ये तो हमारी सीधी सादी बोली थी, लेकिन लगती है सीने में गोली सी। तुम बहुत अच्छी हो सी। ये लो अंगूठी, हम तुम्हें इनाम देते हैं। सी सी कैसी लगती है? मालूम होवे जैसे कोई सितारा करे झिलमिल झिलमिल सी। नहीं, गौर से देखो, इसके अंदर किसी का दिल सी। सी? हाँ सी। सी? कितनी प्यारी लगती है तुम्हारी सी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतरी सी। कबूतरी? अभी यहाँ है, अभी उड़ जाएगी, दाना दिखेगी तब फिर आ जाएगी सी। ओहो, और ये तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारा कबूतर? नहीं सी नहीं, ये तो कुछ ऐसा वैसा दूर का भाई सी। अच्छा। किला देखने आना था तो अपने साथ लाई सी। ओहो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें किला देखना था ना। जरावर, इन्हें अपने साथ ले जाओ और पूरी भूल भुलैया दिखा लाओ। हुक्म सरकार। जाओ, जब बाहर निकलो तो हमसे मिलते जाना। जरूर सी सरकार सी, हजूर सी। सी? कुछ नहीं कुछ नहीं। कह रहे हैं पिखट्टी जाती है, जल्दी वापस आ जाती। फिर क्या हुआ? जब मैं सिपाही लेकर वापस पहुंचा तो देखता क्या हूं, दरवाजा चौपट खुला है और वो दोनों गायब। और उनके साथ साथ तेरा माल उसबाब रुपया पैसा भी गायब। क्यों, यही ना? नहीं, हर चीज वैसी की वैसी पड़ी थी, एक कौड़ी तक नहीं उठाई उन्होंने। तो फिर मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है? गुस्ताखी माफ हो सरकार, आप ठहरे कोतवाल और मैं करीब सराय वाला, कहां राजा भोज और कहां कंगला तेली। लेकिन फिर भी मेरी इस छोटी सी खोपड़ी में एक छोटी सी बात आई है, हुक्म हो तो अर्ज करो। अच्छा बोल। यही है वो लड़की। सी, यही है ना सी? हाँ सी, हाँ सी, यही है सी। तू रात को उसकी सराय में थी? हाँ सी, हाँ सी, और हमारे साथ हमारा राजा भी सी। अब राजा बन गया, और उस वक्त तो मेरे पांव पड़ रही थी कि मुझे बचाओ इससे। झूठ सी कोतवाल साहब, हम तो गरीब परदेसी सी, रात को इस बुढ़े की सराय में ठहरे सी। ये आया और मुझे घूर घूर के देखने लगा, कहने लगा सी, ये कहने लगा सी, मैं कैसे कहूँ सी, आप तो खुद समझदार सी। मैंने इनकार कर दिया सी तो फिर हमें डराने लगा सी, फिर हम क्या करते सी, आप तो जानते हैं सी, गरीब परदेसी सी, भाग निकले सी। हाँ सी, घबराओ नहीं, चलो राजकुमार के पास उसकी शिकायत करें। चलो चलो। राजकुमार को इन छोटी छोटी बातों के लिए तकलीफ देना ठीक नहीं। आप जैसे बोलो सी, ठीक। कोतवाल साहब आए आए आए, मैं आपका ख्याल ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी उनकी तलाशी लेना जरूरी है। तलाशी? मेरी तलाशी? वो आप ले सकते हैं। ये कमर में क्या बंधा है? दिखाओ दिखाओ। संयम भय कोतवाल, अब डर काहे का।
सुनिए भाई कोतवाल, आप डर काहे का, ये क्या लिखा है? सिकाना सी, गरीबों की रोटी का ठिकाना सी, सी फिर जब आमे सी, तो आपको भी सुनामे सी। फिर कब आओगी? सी, जब आप बुलामे सी। जो मर्जी हो आओ, जाओ। राम राम सी। ले जाओ इसे। के नौजवान, नौजवानों, तुमने आज वीरता का मान बढ़ा दिया, तुमने सारे मुल्क की इज्जत रख ली। मांगो क्या मांगते हो? राज दरबार का खजाना, ओहदा, जागीर, हर चीज मौजूद है। जो कुछ मांगना हो मांग लो। हमें राज दरबार से कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तो हमने अपना फर्ज अदा किया है। नहीं नौजवानों, तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऐलान का अपमान होगा। अच्छा महाराज, जब आप कुछ देने नहीं चाहते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसी चीज दीजिए जो अनमोल हो, जिसकी कीमत धन दौलत और जागीर से ज्यादा ना हो सकती हो महाराज। तुम्हारे सवाल ने तो सरकार को अचंभे में डाल दिया। तुम ही बता नौजवान, दुनिया में कौन सी चीज अनमोल है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती? मां बाप की दुआ,
माँ बाप की दुआ? हाँ राजा बापू, पहचानिए मैं कौन हूँ। राजा बेटी? हाँ राजा बापू। राजा बेटी की जय। भगवान जहान को ऐसी ही औलाद दे। भ्राता जी, जिस चीज का हमें इंतजार था वो मिल गई, अब क्या हुक्म है? इसी शुभ अवसर पर हमला करने का दिन और वक्त भी मुकर्रर कर दीजिए, विजय यकीनन हमारी होगी। तुम ठीक कहते हो संग्राम, लेकिन हमला करने से पहले हमें अपने इष्ट देव महाशंकर के दर्शन को जाना है। लड़ाई के अंजाम की किसी को खबर नहीं होती, न जाने कौन जिंदा बचता है और कौन अपने देश के काम आ जाता है। इसलिए सफर की तैयारी करो, वहां से वापस होने के बाद शुभ घड़ी देखकर फौरन हमला कर देंगे। हुक्मदाता। और राजा बेटी, तुम भी हमारे साथ महाशंकर के दर्शन को चलोगी ना? जरूर चलूंगी राजा बापू। कुमारी जी, मैंने इतना सुंदर पुरुष कम देखा है। पुरुष की सूरत में ही सीरत देखी जाती है। मेरी सौगंध, सच कहना, क्या तुम्हें पसंद नहीं? चुप रहे, वो सुनहरा सांप है, वो खूबसूरत गिलास में भरा हुआ जहर है, मेरे सामने उसका नाम भी न ले। जी चाहता तो नहीं अपने अपमान का बदला ले लूं, लेकिन दांत पीस कर रह गई। बेचारे ने अंगूठी पहनाते वक्त दबी जबान से ये भी कह डाला कि इसने नगीने के बजाय किसी के दिल का टुकड़ा रखा है। फेंक दी उसकी अंगूठी। हाय राम। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ, किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ, किधर कोई क्या जाने। कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने। कोई कहे ये जलते दीपक, कोई कहे ये परवाने। चले सिपाही। जीवन की ये अंधी आधी अपनी राह न देखे, अपनी राह न देखे। किस झोंके में उजड़ जाएगी किसकी चाह न देखे, किसकी चाह न देखे। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ, किधर कोई क्या जाने। चले सिपाही भूल उड़ाते कहाँ, किधर कोई क्या जाने। देखो पांडे जी, कल सुबह का तारा छुपने से पहले ही हमें सफर कर देना चाहिए कि ठंडे वक्त महाशंकर के मंदिर में पहुंच जाए। जो आज्ञा। राजा बापू, सुना है यहाँ से थोड़ी दूर पर सूरज डूबने का मंजर देखने के काबिल होता है। मैं देखा। कितनी दूर है? यही कुछ 3-4 कोस होगा। अच्छा जाओ, लेकिन रात होने से पहले ही वापिस आ जाना। बहुत अच्छा राजा बापू। औलाद भी एक जादू की पुतली है जिसके सिर्फ देखने ही से माँ बाप का कलेजा हाथों भर जाता है। पांडे जी, बेशक अंदाता, औलाद वो नेमत है जिसको हासिल करने के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, मानताएं मानते हैं, यात्राएं करते हैं। अगर बेटी हुई तो ठीक, और बेटा हो गया तो फूले नहीं समाते हैं। नहीं पांडे जी, बेटा हो या बेटी, औलाद तो दोनों ही बराबर हैं।
और सच पूछो तो हमें तो बेटी ही पसंद है, क्योंकि बेटे के चाल चलन अगर अच्छे न रहे तो माँ बाप की बेइज्जती का कारण बन जाता है। लेकिन चार दीवारी में रहने वाली गरीब कन्या इज्जत के साथ घर में बैठी रहती है, और जब उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दिया जाता है तो माँ बाप की इज्जत को संभाले उसी के साथ चली जाती है। बजा है अन्नदाता। घबराइए नहीं, बैठिए, मैं आपको पड़ाव तक पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। आराम? जिस जिंदगी में आराम नसीब हो वो जिंदगी नहीं कहलाती। अगर जिंदगी में आराम ना मिला तो फिर कहाँ मिलेगा? आपने तो मुझे उलझन में फंसा दिया। अच्छा तो फंसे रहिए। अच्छा सुनिए तो, देखिए पश्चिम की तरफ एक काफी ने पड़ाव डाला है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। शुक्रिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मुझे सब मालूम है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन अपना नाम तो बता दी जाइए। नाम बताने से आपको फायदे के बदले नुकसान होगा। नुकसान? हाँ, परेशानी बढ़ जाएगी। आप तो कुछ अजीब बातें करती हैं, नाम बताने में क्या नुकसान? आप मेरा नाम सुनना ही चाहती है तो सुनिए, मेरा नाम है गुमनाम। गुमनाम? दूसरी उलझन पैदा हो गई। बस तो इसी उलझन में फंसे रहिए। अजीब औरत थी। ऐसा ख्याल होता है कि ये सूरत मैंने कहीं देखी है। कहां देखी है? चेहरा हसीन, आंखें बेमुरव्वत, मैंने दुनिया में ऐसी अजीब खूबसूरत औरत नहीं देखी। Oh,
पा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। कुमारी जी बात क्या है? अभी आई और अभी जा रही है? हाँ अभी आई हूँ और अभी जा रही हूँ। कहाँ? एक खूबसूरत सांप को सर्प चलने। खूबसूरत सांप? वही सतनापुर का कुमार जिसकी हुस्न की तू बहुत तारीफ करती है। क्या वो मिले थे? हाँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि शिकार खुद उनका निशानी के सामने आ गया है। आज बदला लूंगी अपने अपमान का और ये कटार उसके खून से रंगीन करके राजा बाबू को दिखाऊंगी। कुमारी जी आपकी जान का तो खतरा नहीं? खतरा भी हो तो क्या है? जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की तरह जीने की बजाय वीरता से मर जाना बेहतर है। सुहाग के साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। मेरी दुनिया की आबादी इंतकाम और मेरी जिंदगी राजकुमार की मौत है। तो फिर ये अंगूठी उन्हें वापस दे दीजिएगा। फेंक दे इसे। मैं गिले शिकवे या प्रेम का सौदा करने नहीं बदला लेने जा रही हूं। आज वो नहीं या मैं नहीं। Thank you.
न देख। तुम? हाँ मैं, तुम्हारी मौत। मौत? अगर मौत इतनी हसीन है तो मैं 100 मरतबा मरने को तैयार हूँ। पहले एक दफा मर ली, फिर 100 दफा की तमन्ना करना। खींच अपनी तलवार कि मरते वक्त लड़ाई की हसरत न बाकी रहे। मगर ये लड़ाई क्यों? इसका जवाब तलवार की छनकार देगी। मगर मैं अपने सवाल का जवाब लोहे की जबान से नहीं, नर्म और मीठी जबान से सुनना चाहता। बातें ना बनाओ, तलवार खींचो वरना मैं हमला करती हूँ। मार, इतनी खूबसूरत मौत भला हर एक को कहां नसीब होती है? सोचती क्या हो? अगर तुम्हारी कटार छोटी मालूम होती है तो मैं अपनी बड़ी तलवार दिखा दूं। मगर नहीं, जब छोटी सी कटार उठाने में नाजुक हाथ कांपने लगे तो इतनी भारी तलवार फूल सी कलाइयां कैसे उठा सकेंगे? और सच पूछो, तुमको इन लोहे के हथियारों की जरूरत भी क्या है? तुम तो जबान से सिर्फ 2 शब्द कह दो, मर जा, हम मर जाएंगे। ठहरो डोली। चली कहां? मैं हार गई। नहीं, तुम हार कर जीत गई और मैं जीत कर हार गया। मैं मुजरिम हूं, मैं खूनी हूं, मुझे सजा दो। सजा? तुम्हें सजा देने के लिए दिल कहां से लाऊं? हां, ये जरूर कर सकता हूं कि जिस इरादे से तुम आई थी वो इरादा मैं पूरा करता हूं। तुम क्या करती हो? तुम्हारी बहादुरी पर मेरे इंतकाम का जोश सत्य हो गया। कुमार, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझसे इंतकाम लेने की वजह क्या है? ये एक राज है जो मैं इस वक्त नहीं बता सकती। अच्छा देवी, तुम्हारा नाम? कबूतरी। कबूतरी? ये तो एक नाचने वाली नटनी का नाम था। सच बता देवी, तुम्हारा नाम? गुरुनाम। नहीं देवी, जब तक तुम अपना नाम न बताओगी मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैंने अपने दोनों नाम तो तुम्हें बता दिए, आखिर आदमी के और कितने नाम होते हैं। तुमने ये नाम बताकर मुझे भूल भुलैया में फंसा दिया। भूल भुलैया तो सतनापुर की मशहूर है, यहाँ कहाँ से पैदा हो गए? मैं सतनापुर का राजकुमार हूँ। इसी से दूसरों को फंसाते फंसाते आज खुद ही भूल भुलैया में फंस गए। बस तो अब यूं ही फंसे रहो। अजी चली कहाँ? अपने घर। तुम्हारा घर कहाँ है? हवा में। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, उस वक्त उलझन में फंसे थे, अब भूल भुलैया में फंसे रहो। पांडे जी, जल्दी करो, तू निकल से पहले ही हमें रवाना हो जाना है। जी महाराज, मजबूत कर दो, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी करो। चले आओ। अरे घोड़े जल्दी तैयार करो। क्या बात है जूही, राजा बेटी अभी तक सो क्यों रही है?
तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ महाराज, रात को देर तक सोई नहीं, इसलिए अब तक आंख नहीं खुली, जगा दूं। सुबह भी हुई, दोपहर भी हुई और अब शाम हो रही है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? सपने भरी ये प्रेम कहानी क्यों थी, किस तरह आंख खुलती जवानी की नींद थी। क्या देख रही है? फूल, मगर इस पर तो एक धब्बा भी नजर नहीं आता। अरे पगली, खून तो हुआ, तो ये खून हर एक नहीं देख सकता। खूब कटारी चली, दोनों घायल हुए और ऐसे घायल हुए जिन्हें कोई अच्छा नहीं कर सकता। विजय किसकी हुई? राजकुमार की। क्या बताऊं जूही, जिस दिल पर मुझे नाज था, जब उसने सांस छोड़ दिया तो मैं क्या करती? उसकी वीरता ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। कत्ल करने गई थी, खुद ही कत्ल हो गई। वो काटा, मैं ना कहती थी कुमारी जी कि वो इंसान के रूप में कोई देवता का अवतार है? बेशक वो बहादुर, शरीफ और एक खूबसूरत नौजवान है, लेकिन अफसोस है कि वो सपना पुर में पैदा हुआ है। अगर वो हमारे दुश्मन का बेटा नहीं होता तो ये तमाम उम्र उसकी दासी बनकर जिंदगी गुजारना सौभाग्य समझ। कहती सच हो, मामला बड़ा टेढ़ा है, फिर अब क्या इरादा है? जी मैं अपने कलेजे से दिल निकाल कर दे सकती हूँ, लेकिन अपने देश और राजा बापू को धोखा नहीं दे सकती। तुम जानती हो हम वहां शंकर के मंदिर क्यों जा रहे हैं? तुम जानती हो कि वहां से वापस आने पर जगमीर और सतनापुर में खून की बरसात होगी। लेकिन क्यों ना ऐसे तरकीब की जाए कि लड़ाई रुक जाए? ये नामुमकिन है, राजा बापू को कोई नहीं समझा सकता। जूही वो अपनी बात के धनी एक हठी इंसान है। राजहट, बालहट और त्रियाहट, सुनते चले आए हैं कि ये तीनों हटे मशहूर हैं। आज इनमें से एक हट साबित कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि नाम न बताने से क्या फायदा है। हम दोनों का फायदा है, अगर नाम बता दूंगी तो हमारे प्रेम की दुनिया फिर सुनी हो जाएगी। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो चुका, अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। इस अंगूठी को पहचानती हो? अंगूठी? ये तो मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आई? तुमने मुझे दी थी। तुमको? नहीं, हाँ अब याद आया, ये अंगूठी तो मैंने एक नाचने वाली लड़की को दी थी, शायद तुम मुझसे मोल ली होगी। नहीं राजकुमार, मैं वो नाचने वाली नटनी। हरगिज नहीं, वो नटनी तो तुम्हारे तलवों की धोबन भी नहीं हो सकती। कहां ये चौथवीं का चांद और कहां वो अंधेरी रात का छिलमिलाता हुआ तारा? तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा नहीं राजकुमार, मैं सच कह रही हूं। तुम नटनी हो जो भेस बदलकर तुम्हारे किले का नक्शा उतारने गई थी। और सुनो, मैं ही वो दुल्हन हूं
जिसके सुहाग के फूलों को तुमने पांव से रौंदकर टीका वापस कर दिया था। जगमेर की राजकुमारी? हाँ सतनापुर की राजकुमार। हाँ अब तुम ही फैसला करो कि इस अपमान का बदला लेना चाहिए या न लेना चाहिए। जरूर लेना चाहिए, मगर उससे जिसने टीका वापस किया है। क्या मतलब? क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद न थे? मैं जरूर मौजूद था, और मैंने यह जरूर अपराध किया है कि थाल में ठोकर मारी थी, मगर एक सपने पिता के हुक्म से मजबूर था। अगर मेरी जगह पर तुम होती तो क्या अपने पूज्य पिता का हुक्म नहीं मानती? तुमने भी तो अपने पिता का हुक्म माना, भेस बदल कर जासूसी मुझे कत्ल करने आई। बेशक हम दोनों मुजरिम हैं और दोनों बेगुनाह। राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिता से अपने अपराध की क्षमा मांगने को तैयार हूँ। राजकुमार, बिजली बादलों से निकल चुकी है, अब वो चमक कर जरूर गिरेगी। राजा बापू बदला लेने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ना बहुत मुश्किल है। महाशंकर के मंदिर से वापसी के बाद फौरन सतनापुर पे हमला होगा। मगर मेरी नजरों से तुम्हारा दिल बदल जाए, दुनिया चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने। मेरे वजीर का कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप बचाइए अपने बादशाह को, ये लीजिए शह। वाह रानी वाह, तुम्हारी इस चाल ने तो हमें वाकई सोच में डाल दिया। खेल में तो आप हमेशा बहुत सोचती हैं, लेकिन जिंदगी में कम। क्या मतलब? मतलब ये कि कुमार अब काफी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी के लिए आपने कोई लड़की सोची? जल्दी क्या है, कुमार ने रियासत में रहना छोड़ दिया है, अपना दिल बहलाने के लिए हमेशा शिकार पर रहता है, जवानी दीवानी होती है, वहीं कोई ऐसी वैसी लड़की नजर पर चढ़ जाएगी तो हाथ मल के रह जाओगे। मगर कुमार ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। आपने अपने बाप से कहा था कि मेरी शादी कर दो, ये माँ बाप का फर्ज होता है कि वो खुद ही समझ जाए और जवानी की ठोकर खाने से पहले ही औलाद का घर बसा दे। अच्छा मैं सोचूंगा। सोचूंगा नहीं, जल्दी कोई इंतजाम करो, हमारा एक ही तो बेटा है, 8-8 दिन गुजर जाते हैं और हम उसकी सूरत देखने को तरसते रहते हैं। अच्छा सरकार, मैं बहुत जल्द कुमार की शादी का इंतजाम करता हूँ, मगर आप चाल तो चलिए।